कनाडा की तरफ से इस टाइम की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। आईआरसीसी की तरफ से जो प्रोविंस को कोटा मिला है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। हालांकि पहले भी डिक्लेयर किया गया था लेकिन फिर इसको रिवाइज किया गया, तो अब फाइनल कोटा डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग तीन चार जो मेन पॉइंट हैं, जैसे कि अंटारियो को सबसे ज़्यादा कोटा मिला है, टोटल 6 लाख एप्लीकेशन कैनेडा में जाएंगी, और सबसे बड़ी बात आईआरसीसी ने इस चीज़ को माना है कि वो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो उन्होंने प्रोसेस करनी है उसको लिमिट कर सकते हैं, लेकिन टोटल वीज़ा कितने देने हैं उसको लिमिट नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं, तो इनको डिटेल में डिस्कस करूँगा। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपने अगर कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई किया हुआ है उसके कितने चांसेस रहेंगे, किस प्रोविंस के कितने चांसेस रहेंगे, इस चीज़ का इस में आपको आंसर मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही लेटेस्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती है। तो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है और आईआरसीसी ने कोटा डिक्लेयर कर दिया है। मैं इसमें तीन चार मेन पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कोटा किसको कितना मिला है वो बता दूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी भी प्रोविंस में अप्लाई कर रखा है तो आपके वीजा चांसेस इस चीज पे डिपेंड करेंगे कि उस प्रोविंस को कितना कोटा मिला है। तो वन बाय वन बता देता हूं, सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो अंटारियो के हिस्से में आया है, 2,35,000 का कोटा इनको मिला है। इसके बाद क्यूबिक है, इनको 1,17,000 मिला है। ब्रिटिश कोलंबिया को 83,000 मिला है। इसके बाद अल्बर्टा है, 40,894 का मिला है। इसके बाद नोवा स्कोशिया है, 20,000 आया है इनके हिस्से। इसके बाद मैनिटोबा है, 18,652 आया है। सस्कैचवन को 15,000 का कोटा मिला है। न्यू ब्रंसविक 14,000 पे है। न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर इन्हें 3,000 का कोटा मिला है। यूकॉन टेरिटरी जो कि बहुत बाहर है उनको 400 का मिला है। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी ये भी बहुत आउटर एरिया है, बहुत कम पॉपुलेशन है, तो इनको 300 का। इसी तरीके से नूनाबट जो टेरिटरी है आउटर एरिया है उसको 300 का कोटा मिला, और लास्ट में प्रिंस एडवर्ड आइलैंड को 2,312 का कोटा मिला है। ये जो मैंने नंबर ऑफ सीट्स एलोकेशन बताई हैं ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, ये वीजाज नहीं हैं। तो टोटल जैसे मैं आपको अंटारियो को मैंने बताया कि 2,35,000 उनको सीट्स मिली हैं, ना कि वीज़ा अप्रूवल हैं। आईआरसीसी इस टाइम पे 60% अप्रूवल लगा के चल रही है, तो अगर इसका 60% हम अप्रूवल रेट लगाते हैं तो वो 1,41,000 बनता है। तो 60% अप्रूवल रेट के साथ ये टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो किसी भी प्रोविंस को मिली हैं। अब इनको ट्रैक करने का जो तरीका है वो आपका पैल है, जिसको प्रोविंसल एटेस्टेशन लेटर भी कह देते हैं। तो जैसे अंटारियो का मैंने बोला, अंटारियो टोटल 2,35,000 पैल ही इशू कर सकता है, तो ये टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं। ये इसलिए किया गया है क्योंकि आईआरसीसी ने ये माना है कि वो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने प्रोसेस करेंगे उस पे कैपिंग कर सकते हैं, वो वीज़ा कितने अलॉट होंगे उस पे कैपिंग नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि किसी भी प्रोविंस की जितनी भी एप्लीकेशन जाती हैं उसकी जो अप्रूवल रेट है वो आईआरसीसी के हाथ में नहीं है। ये अपने आप में एक रिलीव कर देने वाला पॉइंट है कि टोटल आप कितनी एप्लीकेशंस प्रोसेस करते हैं, किसी प्रोविंस को कितना कोटा देना है, उनकी तरफ से उतनी एप्लीकेशन लेनी है, इस चीज़ पे आपकी अथॉरिटी है, लेकिन उसमें से वीज़ा कितने आएंगे इस पे आपकी अथॉरिटी नहीं है। तो ये टोटल ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो हैं वो अलॉट कर दी गई हैं। अब इसके बाद टोटल नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन हैं वो मोटा मोटा उन्होंने 6,06,000 का नंबर दिया है कि 6,06,000 नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो हम प्रोसेस करेंगे। इसमें 60% के हिसाब से जितना भी बनता है, किसी प्रोविंस का कम हो सकता है 60% से, किसी का ज़्यादा हो सकता है। अगर ऑन एन एवरेज किसी का 60% जो ऊपर से बनता है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी प्रोविंस का जो अप्रूवल रेट है वो 60% से नीचे रहता है तो उसको एक्स्ट्रा सीट्स मिल सकती हैं, ताकि उसके नंबर ऑफ वीज़ा जितने एक्सपेक्ट किए जाते हैं उतने पूरे हो सकें। तो इस टाइम की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि नंबर ऑफ सीट्स हमें पता चल चुकी हैं, ये भी पता चल चुका है कि कितने वीज़ाज उसमें आ सकते हैं। तो आप इस जो नीचे लिंक दिया गया है उस पर जाके आप इसको चेक कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ शीट जो हैं आपकी प्रोविंस को मिली हैं, ताकि आपको पता चल सके कि इतने वीज़ा उस प्रोविंस के आएंगे और इसका जो वीज़ा ट्रेंड है, जब वीज़ा सक्सेस रेट है वो इतना रहेगा। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो ऐसी वीडियो है या ये अपडेट ऐसी अपडेट है जिसने
कनाडा के स्टडी वीज़ा का फ्यूचर, उसमें अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स का फ्यूचर तय करना है। इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।